Robomate Plus, India's largest curriculum-based study app. Download the app now. वेलकम बच्चों, मैं आज इस स्टेशन में क्या कर रहा हूं ये आप सोचते होंगे। बच्चों, मैं आज अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए बाहर घूमने जा रहा हूं। ये देखो मेरी ट्रेन खड़ी हुई है, इसी में मैं सफर करने वाला हूं। और हमारा बच्चों पाठ भी तो कुछ ऐसा है, हमारा पाठ है सफर का साथी सिरदर्द। और इस पाठ को लिखने वाले हैं राम नारायण उपाध्याय जी। तो आइए बच्चों, हमेशा की तरह चर्चा करते हैं कि इस पाठ में कौन सी बातें हैं। देखिए बच्चों, ये पाठ एक हास्य व्यंग्य निबंध है और इस निबंध में लेखक ने मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अननेसेसरी यानी अनावश्यक बातें करने वालों एवं बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग किया है। और आपको भी इस बात का अनुभव रहा होगा कि ट्रेन में ऐसे लोग बहुतायत से आपको मिलेंगे जो अखबार खरीदेंगे नहीं, वो आपसे लेकर पढ़ेंगे, आपको बिन मांगे सलाह देंगे, अनावश्यक बातें करेंगे और सफर में समय गुजारने का प्रयास करेंगे। तो ये चीजें बहुत लोगों को पसंद आती है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आती। तो लेखक को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें यह चीज पसंद नहीं है, फिर भी उनके सफर में क्या क्या अनुभव उन्हें मिलता है, इसी पाठ पर उन्होंने चर्चा की है। तो आइए बच्चों, हम लोग इस ट्रेन में बैठते हैं और अपनी सफर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, अब मैं ट्रेन के अंदर हूं और मेरे सफर की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बगल में लेखक बैठे हुए हैं, वो भी मेरे साथ जा रहे हैं और हम दोनों इस सफर पर निकल पड़े। लेकिन मालूम है, लेखक जो है ना, उन्हें अकेले यात्रा करने में आनंद ज्यादा आता है। उनके अनुसार किसी के साथ यात्रा करना यानी यात्रा का मजा किरकिरा होने जैसा है, यानी यात्रा का मजा बेकार हो जाता है। रेल से यात्रा करते समय खिड़की से बाहर झांक कर प्राकृतिक मनोरम दृश्यों को देखना, सूर्योदय व सूर्यास्त देखना हमारे लेखक को बड़ा अच्छा लगता है। वैसे लेखक को सुपर फास्ट ट्रेन की बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करने में आनंद ज्यादा आता है। ऐसा क्यों? बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है वो हर स्टेशन में नहीं रुकती, लेकिन एक्सप्रेस हर स्टेशन में रुकती है और वो दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है। वैसे लेखक अन्य बैठे सहयात्रियों से परेशान हो जाते हैं। ये लेखक परेशान क्यों हो जाते हैं? देखिए, अन्य जो यात्री हैं वो लेखक से अखबार मांगते, जैसे इन्हीं सज्जन को देखिए, ये जो अखबार पढ़ रहे हैं ये लेखक ने खरीदी है और लेखक से तरह तरह की अनावश्यक बातें जिसकी कोई जरूरत नहीं होती उसे करना शुरू कर देते हैं और लेखक का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है और उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें सफर का आनंद पूरी तरह से उठाने का अवसर नहीं मिलता। बच्चों, लेखक के साथ जो सहयात्री बैठे हैं ना, लेखक से इतने तरह के प्रश्न, अनावश्यक प्रश्न पूछते हैं कि लेखक बेचारे तंग आ जाते हैं। लेखक कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ उतरेंगे, ट्रेन कब छूटेगी, ट्रेन कब पहुँचेगी, मतलब तरह तरह के प्रश्न, इतने अनावश्यक प्रश्न लेखक से पूछते हैं ना उनके सहयात्री कि लेखक बेचारे तंग आ जाते हैं और अब वो एक सिरदर्द की गोली खाकर लेटना चाहते हैं। लेखक के साथ सफर करने वाला एक यात्री लेखक को गोली खाते हुए देख लेता है और वो लेखक से ढेर सारे सवाल फिर पूछना शुरू कर देता है। अब लेखक बिल्कुल उब ही जाता है, बोर हो जाता है और वो सीधा सा जवाब देते हुए कहता है कि जब वो घर से निकला था तब भला चंगा था, लेकिन अब उनके इन सहयात्रियों ने उसका सिर खाना शुरू कर दिया है, उसे परेशान करना शुरू कर दिया है, तब से उनका सिरदर्द
बढ़ गया है। अंत में वो अपने से परेशान होने का कारण बताते हुए कहते हैं कि मैं सिरदर्द से नहीं, हम सफर साथियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। मतलब मुझे सर में उतनी तकलीफ नहीं है जितना मुझे अपने हम सफर यात्रियों के सवाल से परेशानी हो रही है और मेरा सरदर्द बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, हमारा ये सफर आज यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इस ट्रेन से आप सबको विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। टू वॉच मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस, अटेम्प्ट टेस्ट एंड टू गेट इंस्टेंट एनालिसिस, डाउनलोड द रोबोमेट प्लस ऐप नाउ।